कोविड का केस बढ़ रहा है, वैसी स्थिति में कल राजस्थान के 3 एमपी ने मुझे पत्र लिखा था कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। हिमाचल के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी पर भी भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, उसके बाद उसमें भी कोविड पॉजिटिव पाया गया, और उसको देखते हुए राजस्थान में कोविड ना फैले इस विषय के लिए आप कुछ कार्यवाही करिए। उसको देखते हुए मैंने मिनिस्ट्री में एक्सपर्ट लोगों की राय ली, बातचीत किया, और उसके आधार पर मैंने भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज कन्वीनर राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा, और मैंने कहा कि भाई मुझे ऐसा पत्र मिला है और इस पत्र में मुझे बताया गया है कि उससे उस यात्रा में भाग लिए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है, तो उसके लिए प्रिकॉशन लिया जाए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। लेकिन आज सुबह से मैं देख रहा हूं जिस तरह से मुझे कोर्ट करके कोविड के संदर्भ में मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपने ऐसी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, क्यों लिखा, मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले, देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहे, लेकिन कोई खास फैमिली के प्रोटेक्शन में आके एक देश के हेल्थ मिनिस्टर अपना दायित्व अदा करता हो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके कोविड ना फैले उसके लिए कोई मार्गदर्शक सूचना जारी करे, तो उसके खिलाफ भी प्रश्न उठाना, मैं मानता हूं कि ये मेरे कर्तव्य निर्वहन करने के लिए बाधारूप है। हम तो प्रधान सेवक की टीम के छोटे से मेंबर है, हम खास लोगों को कैसे क्वेश्चन पूछ सकते, यही उसकी मानसिकता हो तो उसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है।